हेलो। खाना खा जा रही तो तुम्हारा हाँ कुंटू दा, कहाँ से? जो अच्छा, तो बोला जान से ना, कुछ फंक्शन सा इसके छलियान को। कुमरो किला इनरदार वाले आले सब कुमरो उधर ओ ब्याल का होल थोड़ा ट्रायल करन से ना ब्याल के। ओ पुर चंडाग में दे दे कुमरी भाई यार बस क्यों होल पे बता दे मैं कतिर में घर पूछ लो कतिर क्या मैं कहाँ पूछ रहे सहल? बाजार है जो आए जी अच्छा, कह तो जल्दी आ जाऊँ घूम से। मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद है और मैं छोलिया डांस में काम करता हूँ। मैं मशक बीन बजाता हूँ। पहले तो मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में जब लड़ाई होती थी तब छोलिया आगे जाते थे। आजकल फिर ये हमने शादी विवाह में भी कर दिया, शुभ कामों में। छोलिया एक द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड छलिया, और छलिया का मतलब छल, यानी कि किसी को जैसे मार्शल आर्ट्स में होता है कि डिसेप्शन करना, किसी को छल करके उसको अटैक कर देना, उस पर उसको मार देना। तो ये उसी तरह का एक आर्ट फॉर्म है। मतलब इट मिक्सेस डांस एंड इट मिक्सेस मार्शल आर्ट्स, बोथ कम टुगेदर एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ ड्यूलिंग, आपस में लड़ना, आपस में तलवारबाजी करना और शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। '1815 में जब एंग्लो गोरखा वॉर हुई, वैसे तो ब्रिटिश बहुत पहले ही इंडिया में आ गए थे और उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया था, बट द ब्रिटिश वर वेरी स्केयर्ड ऑफ द हिमालयाज, तो उन्हें पहाड़ से एक डर था। एंग्लो गोरखा वॉर हुई 1815-1816 में। उसके बाद उन्होंने देखा, जब गोरखा सोल्जर्स की ब्रेवरी को देखा और पहाड़ी सोल्जर्स को देखा, तो उन्हें समझ में आ गया बहुत जल्दी कि यही लोग हमारे लिए लड़ सकते हैं इस रीजन में। उन्होंने सिरमौर राइफ़ल्स इस्टेब्लिश करी। एंग्लो गोरखा वॉर के तुरंत बाद सिरमौर राइफ़ल्स इस्टेब्लिश हो गई थी। तो नाम तो उसका गोरखा ब्रिगेड था, लेकिन उसमें जो रिक्रूट होते थे वो गढ़वाल और कुमाऊं के ही सोल्जर्स ज़्यादा रिक्रूट होते थे। और ब्रिटिश आर्मी का तो हमेशा से ट्रेडिशन रहा बैंड्स एस्टेब्लिश करने का, क्योंकि परेड वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्मी डिसिप्लिन, और उसी के साथ बैंड्स होते थे। तो उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो गढ़वाली कुमाऊनी फाइटर्स हैं, ये पहाड़ में लड़ते तो बहुत अच्छा है, स्टर्डी हैं, एथलेटिक हैं और सुरीले भी हैं, सुर में भी हैं। तो उन्होंने इनको फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की ट्रेनिंग भी देना शुरू किया। सो जो स्कॉटिश जो भी यूनिट्स थे, क्योंकि यूनिट्स आर्मी के मूव करते रहते थे,
आज भी ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे गुरखा सोल्जर्स हैं और गुरखा ब्रिगेड है, तो इनको बैंड्स में पार्टिसिपेट करके ये जो हमारी स्कॉटिश बैकपाइप है इसको बजाने का इनको ट्रेनिंग दी गई। जब मैं ऐसा सोच रहा था, मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई मैं भी ये काम करना चाहता था। उसने कहा भाई बहुत टफ है ये काम। मैंने कहा शिकायत होगी तो टफ क्या होगा। मैं उसके साथ गया था तो उसने मुझे थोड़ा एक दो बार एक महीने की छुट्टी हो गई, मेरे को साल भर हो गया मैं गया ही नहीं उधर ये काम सीखने की जगह। उसने कहा भाई कर पाएगा। मैंने कहा करूँगा करके मैं भी लाइव ऐसा करते गया, सीखते ऐसी लत लग गई इसकी, अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा। बजलिका बना रखट की ताना बजलिका बना इत तेरा मन तना मेरी भूलू मैं बतुन कना ओ भोलिया ग्यारह तुल नुकारा हुनै रोनो लग्न काजा हुनिरो बहारा हुनिरो बहारा भिजि गंगा छोड़ी कैच वो पगला उतरी पारा पहाड़ की चेली ले पहाड़ की परले कबनी खाया तिरोटा सुकले कबने खाया तिरोटा सुकले। नमस्कार, मनीष कुमार छोड़िया दल के साथ आपके सम्मुख एक कुमाऊं का बहुत प्रसिद्ध बेड़ू पाको सॉन्ग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें बेड़ू जो होता है वो 12 महीने पकता है, लेकिन जो काफल होता है वो एक ही साल में एक बार पकता है। तो अपने जो अपने वाइफ को या फिर वो समझाना चाह रहा है कि मतलब कि बेड़ू तो हमेशा पकता रहता है, काफल एक ही बार पकता है, ठीक है। तो उस पर मतलब वो समझाना चाह रहा है इस चीज़ को अपने उसको, फिर उसको मना रहे उस तरीके से। तो वो चीज़ों को इसने कन्वर्ट कर रखा है पहाड़ी की भाषा में, तो आपके सामने ये चीज़ है। बाकी मैं आपके सामने सुना लेता हूँ। बजाए ला भाग्य हरिया बांस की ओ मैं बा जन लगाए ला हे भागे पढ़ सांस की हे बेड़ू पाको बारुमासा बेड़ू पाको बारुमासा नरणा 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 का फल पाको चेता मेरी चेला नरणा का फल पाको चेता मेरी।